हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है माइकल एडिशन, जिसे कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं, और ये यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट में जितनी भी नेम रिएक्शंस थी वो सभी हमने पढ़ी है, और सबसे लास्ट टॉपिक आपका है माइकल एडिशन, जिसे माइकल कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं। माइकल एडिशन, या इसे माइकल कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं। अब कॉन्जुगेट वर्ड आया, देखो माइकल ने रिएक्शन दी थी, उसके नाम से जाना जाता था, तभी तो नेम्ड रिएक्शन कहते हैं इनको। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड किसी दूसरे डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में होगा। मतलब अपन पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, तो इस तरह से कॉन्जुगेशन वाला एक इसमें आप कंपोनेंट आपका होगा। रिएक्शन दो कंपोनेंट के बीच में होती है, रिएक्शन आपकी दो कंपोनेंट के बीच में होती है। इंटर मोलिकुलर रिएक्शन है तो इंट्रा है, तो विद इन द मोलिक्यूल हो जाएगी, दोनों कंपोनेंट एक ही मोलिक्यूल में मिलेंगे, तो जनरली इंटर मोलिकुलर अपन पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं माइकल कॉन्जुगेट एडिशन? ध्यान देना कि किसी भी कार्बन न्यूक्लियोफाइल का, ध्यान देना किस कौन से न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल की, किसी भी कार्बन न्यूक्लियोफाइल का किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ना, ऐड होना, एडिशन रिएक्शन। तो कोई कार्बन न्यूक्लियोफाइल किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या हो सकता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, एस्टर, एमाइड, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, सल्फोक्साइड, बहुत सारे वैरायटी हैं इसके अंदर। जनरली अपन एस्टर का एग्जांपल लेके, कीटोन का एग्जांपल लेके रिएक्शन मैकेनिज्म या एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे, तो उसको लिखेंगे कैसे आप, द एडिशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल, द एडिशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल addition of a carbon nucleophile to alpha beta unsaturated compounds, और वो कंपाउंड आपके क्या क्या हो सकते हैं, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है या एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है या कोई साइनो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। एग्जांपल लेंगे तो पता लग जाएगा आपको, टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड या सिस्टम इनको अपन कह सकते हैं, इज नॉन एज माइकल एडिशन। ध्यान देना इसमें दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे, तो इस कार्बन न्यूक्लियोफाइल को क्या कहते हैं, माइकल डोनर। तो ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है ये क्या कहलाएगा आपका, माइकल डोनर। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जिस पर ये अटैक कर रहा है ये एक्सेप्टर हो गया, तो इसे बोलेंगे माइकल एक्सेप्टर। दो कंपोनेंट हो गए, तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी में काम मिलूं कि माइकल डोनर किस पर अटैक कर रहा है, माइकल एक्सेप्टर है, दोनों कंपोनेंट के बीच में ही यहां पर बॉन्डिंग होती है। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं बता रहा हूं कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं तो वहां एक पॉसिबिलिटी और होती है, और वो पॉसिबिलिटी क्या होती है, कई बार कॉन्जुगेट एडिशन ना होकर के डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। अभी डायरेक्ट एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन, 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन क्या होते हैं बता रहा हूँ मैं। एक सिंपल सा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ मैंने एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लिया, ये आपका है अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन है, कीटोन हो गया। यहाँ एस्टर भी हो सकता है इस ग्रुप की जगह, एमाइड हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में। तो ये सिस्टम है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। दो कंपोनेंट अपन ले रहे हैं, एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल था, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, दो कंपोनेंट के बीच में ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? हम सभी जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे सीधा कार्बोनाइल के कार्बन पर, ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसके कार्बन पर अटैक कर रहा है, इसे डायरेक्ट एडिशन कहते हैं। इस एडिशन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एडिशन, या इसे 1-2 एडिशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ अटैक होने वाला सिस्टम इस कार्बन पे है। नेगेटिव चार्ज कहाँ जनरेट हो रहा है? जस्ट दोनों पास में 1-2 पोजीशन पर। स्टार्टिंग कहाँ जुड़ा और लास्ट कहाँ, तो ये 1-2 एडिशन कहलाता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल सीधा इस पर अटैक करता है तो इसे डायरेक्ट एडिशन या 1-2 एडिशन कहते हैं, इसे माइकल एडिशन नहीं कहते। लेकिन यदि रिएक्शन कंडीशन हो ऐसा सा हो या कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी कम हो तो इसका अटैक इस पर बहुत कम होगा, ये कम्पीट करता है, रिएक्शन दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन ज़्यादा कौन सा वो हमें कंडीशन देखनी है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक ना करके इस CH2 पे अटैक करे, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। जो ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो आपके ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? वही ऑक्सीजन की तरफ। कुल मिलाकर के अटैक तो इसी पे ही हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट इस कार्बन पे हो रहा है। यहाँ ये इनडायरेक्टली यहाँ अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। इस एडिशन को ध्यान देना, यहाँ जुड़ रहा है तो नंबर 1, 2, 3 और नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं ऑक्सीजन 4, 1-4 इसके रेस्पेक्ट में अपन 1-4 कहते हैं उसको। तो ये वाला आपका डायरेक्ट एडिशन हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ, ये हुआ इनडायरेक्ट एडिशन। इसे क्या कहते हैं? इसे 1-4 एडिशन भी कहते हैं, इसे 1-4 एडिशन भी कहते हैं, ध्यान देना। अब यहां एक और चीज है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि माइकल एडिशन हो रहा है या डायरेक्ट एडिशन? इनडायरेक्ट एडिशन को ही माइकल एडिशन कहते हैं, ध्यान देना। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के इस एल्कीन वाले ओलेफिनिक बॉन्ड पर अगर अटैक हो रहा है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो ये वाला एडिशन आपका क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एडिशन कहलाता है, इसे 1-4 एडिशन भी कहते हैं, माइकल एडिशन भी कहते हैं और कॉन्जुगेट एडिशन भी कहते हैं। कॉन्जुगेट एडिशन, ये सारे एक ही रिएक्शन से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट एडिशन बोल दो, 1-4 एडिशन बोल दो, माइकल एडिशन बोल दो, या कॉन्जुगेट एडिशन, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, कॉन्जुगेशन हुआ, तो इसे कॉन्जुगेट एडिशन कहते हैं। और ये सीधा अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन पर, तो डायरेक्ट एडिशन इसे कहते हैं। अब बात आती है कि हमें पता कैसे लगेगा कि माइकल एडिशन होगा या डायरेक्ट एडिशन होगा? ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी पर और माइकल एक्सेप्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्टिविटी पर, दोनों की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और तीसरा, रिएक्शन कंडीशन आप किस तरह की ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो रिएक्शन कंडीशन तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? इन दोनों पर। तो इन दोनों की रिएक्टिविटी का अगर हमें पता लग जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि ज़्यादा रिएक्टिव है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ इस डबल बॉन्ड की, ये वाला डबल बॉन्ड और एक ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो गए, इन दोनों में ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है? इन दोनों में ज़्यादा पोलैरिटी किसकी होगी? आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ
पोलरिटी जनरेट होगी, ज़्यादा पोलर है, मोर पोलर है। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल भी मोर पोलर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, या जिसे कह सकते हैं आपका जो हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या मोर पोलर न्यूक्लियोफाइल हमेशा मोर पोलर साइट पर अटैक कर रहे हैं। तो ये साइट कौन सी हुई आपको, मैं इसको ऐसे सर्कल बना के बता रहा हूँ, ये साइट, ये बॉन्ड आपका कैसा है, मोर पोलर, और ये वाला डबल बॉन्ड इसके कंपेयर में क्या हो गया, लेस पोलर हुआ, ये लेस पोलर हो गया, ये मोर पोलर हो गया। अब अगर न्यूक्लियोफाइल मोर पोलर पर अटैक करता है तो इस न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल, हार्ड, और अगर न्यूक्लियोफाइल आपका यहां अटैक करता है तो सॉफ्ट। अब अगर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा पोलर है तो हार्ड होगा, क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा, तो मोर पोलर साइट को हार्ड साइट भी कहते हैं और लेस पोलर साइट को सॉफ्ट साइट भी कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइट पर अटैक करता है तो आपका क्या होगा, माइकल एडिशन, और अगर हार्ड साइट पर अटैक करता है तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एडिशन हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट हो गया। तो हमें किस पे फोकस करना है, इनडायरेक्ट पर फोकस करना है। तो ये तो था इन दोनों डबल बॉन्ड के कंपैरिजन रिएक्टिविटी का। अब अगर हमें ये पता लग जाए कि ये रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कि ये तो हमेशा हार्ड ही बिहेव करेगा, मतलब ऐसा रिएजेंट, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अपन देखते ही पहचान जाएं कि ये तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, मोर पोलर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये तो हमेशा यहीं अटैक करेगा, यहाँ अटैक नहीं करेगा या ना के बराबर करेगा। तो कुछ ऐसे रिएजेंट हैं जो डायरेक्ट अपन पहचान सकते हैं, या मैं बताऊंगा यहाँ पर कि वो डायरेक्ट एडिशन ही देते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आप यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। एल्डिहाइड अगर लेते हैं, ध्यान देना मैंने कीटोन लिया है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ एल्डिहाइड लेता तो एल्डिहाइड में 1,4 एडिशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती, माइकल एडिशन उसमें नहीं होता, क्यों, स्पेसिफिक कंडीशन में हो जाता है लेकिन जनरली नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, खुद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर आप कम रिएक्टिव भी लेंगे, लेस पोलर वाला भी लेंगे, तो भी सीधा कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट एडिशन में, कार्बन कार्बन अटैक करेगा, तो वो जनरली 1,2 एडिशन ही देता है एल्डिहाइड। उसकी रिएक्टिविटी अगर देखें तो माइकल एडिशन के कंपेयर में उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लेस रिएक्टिव होता है माइकल एडिशन के लिए, लेकिन डायरेक्ट एडिशन के लिए एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, वो सीधा 1,2 एडिशन देता है। तो ये तो था जनरल इसका कंपैरिजन, आप इनको नोट्स के फॉर्म में बनाते जाना, ध्यान देना खुद अब वीडियो से नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करना, स्टडी मटेरियल मैं दूंगा लेकिन ये सारी बातें उसमें होंगी या ना होंगी कोई ज़रूरी नहीं है, स्टडी मटेरियल में आपको जनरल रिएक्शन मिलेगी, उसकी मैकेनिज्म और उसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस, या उसके कोई स्पेसिफिक या एक्सेप्शन है या ड्रॉबैक्स है या कोई फीचर्स है, तो वो आपको उसमें मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लास में मैं बता देता हूँ, आप नोट करते जाना उनको उसी हिसाब से, तो नोट्स और वीडियो लेक्चर को दोनों को कोरिलेट करके आप हमेशा नोट्स बनाना। अब मैं जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ ताकि अपन मैकेनिज्म पढ़ सकें और आगे बढ़ें। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं ये कोई कार्बन न्यूक्लियोफाइल होगा, और कार्बन का न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएंगे, एल्डोल रिएक्शन में हमने पढ़ा है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में पढ़ा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई कंपाउंड लेते हैं, बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो यहाँ एक जनरल रिएक्शन मैं ले रहा हूँ जिसमें रिएक्शन में किसके साथ कराएंगे, एस्टर, यहाँ पर एथोक्साइड ग्रुप हो गया, ये एस्टर ग्रुप हो गया कंप्लीट, ठीक है, और इसके कॉन्जुगेशन पर डबल बॉन्ड हो गया, पहला कंपोनेंट आपका ये हो गया, और दूसरा कंपोनेंट आपका कोई मेलोनेट एस्टर ले लेते हैं, COOET, ये एस्टर, दो एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये CH2 है, ध्यान देना यहाँ पर दो हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, ध्यान देना दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में अगर आपका कोई मिथाइलिन ग्रुप आ रहा है तो वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, ये प्रोटॉन इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं बेस की प्रेजेंस में। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, बेस, कोई एल्कोक्साइड ले सकते हैं या कोई अदर दूसरे बेसिक कंडीशन ले सकते हैं।
तो यहाँ ध्यान देना, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ बना रहा हूँ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका बना, इसमें यहाँ आपका डबल बॉन्ड, दोनों के दोनों आपके एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं एज इट इज, ये आपका प्रोडक्ट बना। अब ध्यान देना, दोनों कंपोनेंट को उस प्रोडक्ट से एक बार ढूंढने की कोशिश करना, इस प्रोडक्ट में वो दोनों कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नया बॉन्ड कहाँ बना है, यहाँ ये रहा, जिस बॉन्ड को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है या जिसको मैंने बोल्ड करके बनाया है, डार्क किया है, वो बॉन्ड नया बना है। बाकी अब आपको दोनों कंपोनेंट आपको दिख गए होंगे, एक कंपोनेंट आपका ये रहा, ये वाला दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना डबल बॉन्ड हट जाता है, इसको मैकेनिज्म पढ़ेंगे डबल बॉन्ड कैसे रिमूव हुआ, और ये वाला कंपोनेंट एज इट इज है, ठीक है। तो ये कार्बन किससे जुड़ा, इस कार्बन से, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप सीधा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ से हटाना है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे डबल बॉन्ड कैसे हटा। तो बनने वाले प्रोडक्ट को माइकल एडक्ट कहते हैं, माइकल एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे माइकल एडक्ट कहते हैं। ये आपका कंपोनेंट माइकल एसेप्टर हो गया, और ये आपका माइकल डोनर, जिसको मेलोनोटेस्टर, न्यूक्लियोफाइल जिसको अपन कह रहे हैं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, बेस एच प्लस को निकाल लेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया माइकल डोनर, ये आपकी जनरल डायरेक्शन हुई किसके लिए, माइकल एडिशन के लिए, माइकल कॉन्जुगेट एडिशन के लिए। अब इसकी मैकेनिज्म सिंपल है, सबसे पहले इससे एच प्लस बेस निकाल लेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होंगे, फिर लास्ट में एच प्लस वापस से वो सॉल्यूशन से एच प्लस ले लेता है और डबल बॉन्ड वहाँ से रिमूव हो जाता है या हाइड्रोजन जुड़ जाता है वहाँ पे। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ मेलोनेट। यहाँ मैंने बेस ले लिया, मान लेते मैंने कोई दूसरा ये बेस ले लिया ओ आर माइनस, एक बेस का काम करे, एल्कोक्साइड बेस ले लिया, ये एल्कोक्साइड बेस यहाँ क्या करेगा आपका H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बाहर निकलेगा यहाँ पर R O H, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा ये, वापस इसको प्रोटोन एक्सेप्ट करने प्रोटोन इसको एक्सेप्ट करने के काम आएगा, बनने वाला आपका नया स्पीसीज आपका ये होगा, ये एस्टर ग्रुप हो गया एज इट इज, दोनों एस्टर ग्रुप एज इट इज हो गए, इस हाइड्रोजन को अपन शो नहीं करें, एक एच प्लस निकल गया यहाँ से, क्या आ गया इस पर चार्ज, नेगेटिव, इनोलेट बना सकते हैं, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये स्टेबल है, ध्यान देना यहाँ पर स्टेबल इनोलेट कॉन्जुगेट एडिशन ज़्यादा देते हैं। यहाँ एक पॉसिबिलिटी और होती है, एल्डोल रिएक्शन और कॉन्जुगेट, एल्डोल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर होती है, क्योंकि कीटोन ले रहे हैं और न्यूक्लियोफाइल हो गया, कीटोन हो गया, ये सीधा उस पर अटैक कर सकता है, मतलब अगर अपन देखें तो डायरेक्ट एडिशन वाला वो एल्डोल रिएक्शन हो गई। तो अगर स्टेबल आपका इनोलेट है, और स्टेबल कैसे होगा, जो नेगेटिव चार्ज आपका आ रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी, और जितना ज़्यादा चार्ज कम होता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, इस नेगेटिव चार्ज को ये मॉलिक्यूल इसको स्टेबल कर रहा है, तो स्टेबलाइज हो गया ये इनोलेट बना, ये स्टेबलाइज इनोलेट बना। अब ये किस पर अटैक करेगा, माइकल एसेप्टर, एस्टर अपन ने लिया था, दूसरा कंपोनेंट हमारा यही था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ये हो गया कार्बन न्यूक्लियोफाइल, डेफिनेशन में अपन यही लिखा था, एडिशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और कौन सा अपना एस्टर, ये सीधा इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड की शिफ्टिंग आपकी इस तरह से होगी, इस तरह से आपकी बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। अब बनने वाले नए स्पीसीज ध्यान देना, ये बॉन्ड सीधा, ये कार्बन किससे जुड़ेगा, सीधा डायरेक्ट इस कार्बन से, अपन सीधा एक बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट को मैं यहाँ नीचे की तरफ बना रहा हूँ, तो आपका नया
इंटरमीडिएट क्या बना? ये एस्टर ग्रुप एज इट इज है, दोनों एस्टर, और ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ गए सीधा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर किसके पास चले गए थे? ऑक्सीजन की तरफ। ये स्पीसीज बनी, देखो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आ रहा है तो अपने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। अब वापस से यहाँ क्या हो गई? डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ शुरू में क्या निकला? एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, मतलब कहने का मतलब ये H प्लस जो है सोल्यूशन के अंदर रहेगा, तो सोल्यूशन से ये वापस से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा तुरंत ही, डायरेक्ट इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, सीधा ये H प्लस पर अटैक करता है, तो ये यहाँ आ गया और ये सीधा H प्लस पर अटैक करता है, ये H प्लस अलग हो जाएगा और आपका वापस से वही बेस अलग हो जाएगा, उसी सॉल्यूशन बेसिक मीडियम हो जाएगा वापस से। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ आपका क्या गया? डबल बॉन्ड वापस, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव H प्लस ले लेगा, सीधा सा पहचान सकते हैं ये डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा? H प्लस, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया? रिमूव हो जाता है, और ये जो आपका कीटो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है जो एस्टर का यहाँ पर है, ये वापस से जनरेट हो जाता है। देखो पहले अटैक हुआ, O माइनस में चेंज हुआ, ये वापस से उसी एस्टर फॉर्म में वापस रीजनरेट हो जाता है। तो आप इस तरह से भी शिफ्टिंग दिखा सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट आपका, सीधा प्रोडक्ट आपका क्या बना जो अपन ने बनाया था? ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं इसको। अगर मैं एक दो एग्जांपल आपको दूं तो आप आसानी से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, अगर आपने ढंग से इसको समझा है तो ईजिली आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये था आपका माइकल एडिशन। अब इसके कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस लेते हैं। सिंथेटिक एप्लीकेशंस मतलब कि इससे, अब इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ेंगे अपन और कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे उनको अपन। तो नेक्स्ट लेक्चर में, इसके तुरंत बाद एक और लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं, उस लेक्चर के अंदर माइकल एडिशन के उसके कुछ रिएक्टिविटी दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि एल्डिहाइड एस्टर, कीटोन, एमाइडिन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉन्जुगेट एडिशन कौन देगा और डायरेक्ट एडिशन की देने की पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम पढ़ेंगे। दूसरा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन से, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन से, हार्ड वाले डायरेक्ट एडिशन देंगे, सॉफ्ट वाले इनडायरेक्ट एडिशन, 1-4 एडिशन देंगे, माइकल एडिशन देंगे। तो जहाँ तक अपन को आइडियल मिल सके वो अपन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे और सिंथेटिक एप्लीकेशन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे माइकल एडिशन के, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।